हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आज आपके लिए पोलीकैब आईपीओ पे एक वीडियो लेके आया हूं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये अभी कितना सब्सक्राइब हुआ है। देखिए, आज 8 अप्रैल है और ये आईपीओ का मैं आपको दिखा देता हूं कि कब स्टार्ट हुआ है और कब ख़त्म होगा, और इसका मैं रिव्यू बता देता हूँ कि ये कितना सब्सक्राइब हुआ है, कितना सब्सक्राइब नहीं हुआ है, इसको कौन कौन से सेक्टर में या फिर कौन कौन से हम लोग बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर रिटेल इन्वेस्टर इसको कितना अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए कितना बिडिंग हो रहा है इस आईपीओ में, वो मैं आज का अपडेट आपको दे देता हूँ। तो देखिए, अभी एनएससी के वेबसाइट पे हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में मैं यहाँ पे गया और इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग पे। तो आप देखिए, यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा और उसके बाद आपको क्लिक करना है करेंट मार्केट रिपोर्ट्स पे। तो मैंने यहाँ पे करेंट मार्केट रिपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बुक बिल्डिंग और करेंट इश्यूज़ लिखा हुआ है। तो करेंट इश्यूज़ को बुक बिल्डिंग के तरीके से अगर हम लोगों ने ये बिडिंग किया है और ये जो कंपनी वाले हैं आपको अलॉट कर रहे हैं बुक बिल्डिंग से, तो यहाँ से हम लोग को सारा कुछ दिखेगा। तो देखिए, मैं बुक बिल्डिंग पे क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ आपके सामने ये आ गया मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड, एलएनटी फाइनेंस लिमिटेड, पोलीकैब इंडिया लिमिटेड। तो देखिए, ये इक्विटी, ये सिक्योरिटी टाइप में है, ये आप इक्विटी का ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी टाइप में इक्विटी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मार्केट में लिस्टेड होने वाला है, कैपिटल मार्केट में, और ये डेट मार्केट में लिस्टेड होने वाला है। आप देख सकते हैं मैग्मा फिनकॉर्प और एलएनटी फाइनेंस लिमिटेड का है ये आईपीओ। तो देख लीजिए, यहाँ पे इक्विटी है, ये 5 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में ओपन रहेगा और आज 8 अप्रैल है, तो कल मार्केट खुला है, आज मंडे है, कल ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को मार्केट खुला है और आप इसमें देख सकते हैं। तो देखिए, कौन कौन से इसमें फैक्टर्स हैं, उन सारे फैक्टर्स को मैं बता देता हूँ कि ये कहाँ पर अभी आके रुका हुआ है और इसका ग्रोथ इसमें कितना हुआ है हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इसको दिखाने से पहले मैं आपको इसके वेबसाइट पर ले जाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर पोलीकैब इंडिया का ये वेबसाइट है और आप देख सकते हैं कि पोलीकैब क्या क्या बनाता है। तो ये आप देख सकते हैं polycab.com, ये इसके वेबसाइट का नाम है। तो प्रोडक्ट में हम लोग जाते हैं तो देखिए, यहाँ पे वायर्स एंड केबल्स, इलेक्ट्रिक फैंस, फिर लाइटिंग एंड ल्यूमिनरीज, और फिर स्विचेस एंड स्विच गियर्स, सोलर प्रोडक्ट्स और कंड्यूट्स एंड एक्सेसरीज, उसके बाद ईपीसी ये कंपनी बनाती है। तो देखिए, हम लोग मेन इसमें है हमारा ये इलेक्ट्रिक फैंस, वायर्स एंड केबल्स, तो ये है इस कंपनी का मेन रिवेन्यू है। और यहाँ पे देखिए, सोलर प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी बना रही है और इसका एडवर्टिजमेंट भी बहुत ज़्यादा है, और जो हम लोग देख सकते हैं इसके प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो भी इसमें अच्छा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोलर प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है, तो आने वाला जो फ्यूचर कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो वो सोलर प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ही डिपेंडेंट होने वाला है, ना कि ऑयल्स पे और ना कि दूसरे किसी एनर्जी प्रोडक्ट्स पे। तो देखिए, एनर्जी सोर्सेज तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे जो सोलर प्रोडक्ट्स में ये कंपनी डील कर रही है तो ये इस कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म में अगर आप फ्यूचर्स इसका देखना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये सारे उसके प्रोडक्ट्स हैं, और यहाँ पे देखिए अबाउट अस में अगर आप जाते हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ अबाउट अस पे, तो यहाँ पे सारा कुछ आता है। देखिए, यहाँ पे मैं इसका हिस्ट्री हम लोग अभी देख लेते हैं कि कैसा इसका हिस्ट्री रहा है और ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा ये लिखा हुआ है इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी डील करती है मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग वायर्स में, केबल्स में, और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये FMEG जिसको बोलते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, उसके अंडर ये पोलीकैब ब्रांड के नाम से ये कंपनी है। और ये सारा कुछ केबल्स में और इलेक्ट्रिसिटी के जो भी प्रोडक्ट हैं उनमें ये ज़्यादा डील करती है, LED लाइटिंग में ये डील करती है, स्विचेस बनाती है, स्विच गियर्स बनाती है, और आप यहाँ से सारा कुछ इसका डिटेल देख सकते हैं। और इस कंपनी का जो पास्ट रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, इसमें एक R&D डिपार्टमेंट भी है और उस R&D में ये इनोवेशन करते हैं वहाँ पर, और उनका एक रिसोर्स प्लानिंग भी होता है जिसे हम लोग ERP बोलते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो ये कंपनी इन सारे चीज़ों में बहुत ही अच्छी है और ये जिस सेक्टर में है उस सेक्टर में ये टॉप वाली कंपनी मानी जाती है। और इस इलेक्ट्रिकल ये हम लोग प्रोडक्ट का अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाने में ये कंपनी बहुत ही आगे हैं। इसके 29 वेयर हाउसेज भी हैं
और इसके 1 लाख रिटेल आउटलेट्स भी हैं इंडिया में। और अगर हम लोग देखें तो इसके 20 लोकल ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज हैं, और ये अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करती है 40 कंट्रीज़ में, मतलब 40 देशों में ये अपना प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट करती है। तो देखिए, इससे हम लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, क्योंकि बाहर अगर कोई कंपनी एक्सपोर्ट करता है तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, और ये कंपनी अच्छी है, इसका फंडामेंटल अच्छा है, इसके सेल्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए ये कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है वो बाहर तक एक्सपोर्ट कर पा रही है, वहाँ से सेल्स रिवेन्यू ले पा रही है, और अपना जो अपना नेट प्रॉफिट है उसको इनक्रीज़ कर पा रही है। तो चलिए, यहाँ से तो इसका मैंने फंडामेंटल आपको बता दिया, और हम लोग अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारा डिटेल आप देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में। और मैं अभी चलता हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें NSE के वेबसाइट पे कि ये कंपनी अभी तक कितना इसमें बिडिंग हुआ है, और कितना अभी ये कंपनी जाएगी ऊपर या फिर प्रीमियम पे लिस्टेड होगी या नहीं, एक हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से। तो देखिए, मैं यहाँ पे पोलीकैब इंडिया लिमिटेड NSE के वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ से इसका पूरा डिटेल आ गया यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि इशू पीरियड ये 5 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में है, 10 अप्रैल को इसका मॉडिफिकेशन पीरियड है, और 11 अप्रैल 2019 को इसका कट ऑफ टाइमिंग है। और यहाँ से देख लीजिए प्राइस रेंज इसका 533 से 538 पे जाने वाला है, उसमें एम्प्लॉयज़ को, एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है 53 रुपीज़ का, और इसका 27 इक्विटी शेयर्स का एक लॉट है, तो इसमें 15,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट है, और 15,000 इन्वेस्टमेंट करके और हम लोग कितना इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में, ये हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ NSE बिड डिटेल पे। अगर आप NSE बिड डिटेल पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये यहाँ पे आ गया, ये बिड डिटेल फॉर पोलीकैब एज ऑन 8 अप्रैल 2019 5 बजे तक, ये 5 बजे का डेटा है, 5 बजे तक इसको अपडेट किया गया है। तो देखिए, आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा कि कैटेगरीज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में ये 1.09 टाइम्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ टोटल मिंट फॉर द कैटेगरी, यहाँ पे 1.09 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए कि ये अपने जितने शेयर्स इसको ऑफर किए गए थे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, उससे ज़्यादा का बिड ये कंपनी के पास आ चुका है, और ये IPO के पास आ चुका है। देखिए, 50,04,000 का सिर्फ यहाँ पे ऑफर किया गया था, 4,328 शेयर्स का, लेकिन इसका इसके लिए बिड हो चुका है 54,50,787 शेयर्स का। तो देखिए, ये 1.09 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के कैटेगरी में। अगर यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में हम लोग देखें तो ये 0.48 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है, अगर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में हम लोग देखें तो ये 0.45 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है, एम्प्लॉयज़ कैटेगरी में अगर देखें तो ये 0.22, और ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये 0.64 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है टिल 8 अप्रैल 2019, और ये 5 o'clock का डेटा है, 5 बजे शाम का डेटा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में ये 1.09 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है, तो ये इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा सिग्नल है, और हमारे जिसने भी IPO के लिए बिड डाला हुआ है जिन इन्वेस्टर्स ने, तो उनके लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है, और इस पॉजिटिव सिग्नल से ये हम लोग को पता करने में हेल्प मिल रहा है कि ये कंपनी प्रीमियम पे लिस्ट हो सकती है। इसके 80% चांसेस हैं कि ये कंपनी प्रीमियम पे लिस्ट होगी, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है यहाँ से। तो देखिए, अगर 9 तारीख को 9 अप्रैल 2019 तक अगर ये इसका IPO अगर सब्सक्राइब होता है कुछ और टाइम्स, जैसे कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स अगर सब्सक्राइब हो जाता है, तो बहुत ही इसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये कंपनी प्रीमियम पर लिस्ट हो। कम से कम इसमें जो जिसने IPO का बिड डाला हुआ है उसको लॉस नहीं होगा, कम से कम इस कंपनी में ये कम से कम इसमें प्रोबेबिलिटी बन रही है हमारा कि 60-80% इसका प्रोबेबिलिटी है कि ये कंपनी प्रीमियम पे लिस्ट होगी अपने लिस्टिंग डेट पे। तो देखिए, ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है,
और इस यही अपडेट मुझे आप लोग को देना था कि मैं अपडेट कर दूं आप लोग को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे, कल भी 9 अप्रैल है और कल तक अगर ये कंपनी अच्छा इसमें सब्सक्रिप्शन आता है, ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाती है, क्योंकि अभी तो देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के कैटेगरी में ये ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है और रिटेल इन्वेस्टर्स का कल लास्ट डेट है और सबके लिए इसमें लास्ट डेट है 9 अप्रैल का। तो अगर कल तक ये कंपनी अच्छा पर ये करती है, बिडिंग इसमें होता है और ओवर सब्सक्रिप्शन में जाता है, तो इसके चांसेस हमारा 60-80% है इस चीज़ का कि ये प्रीमियम पे लिस्ट हो। थैंक यू दोस्तों।